अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं मैं अज़ान भट्ट को आपकी खिदमत में एक और वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। तो आज भी मतलब हम काम पर नहीं गए बिल्कुल, तो आज आपको अपने गांव का सारा मैं नज़ारा कराऊंगा, किराने वाली दुकान से लेके बड़े स्टोर तक जितने भी सारे बीच में आते हैं सारा आपको मैं दिखाऊँगा। तो हमारे साथ रहिए। आजकल के गांव कितनी को तरक्की कर चुके हैं, कितना मतलब वो इजाफा हो चुका है उनमें। तो देखते साथ साथ मतलब जहाँ पर जिस घर में एसी है वहीं साथ और घर में खिड़की भी नहीं है, देख रहे हैं ना, मतलब समझ सकते हैं आप इस बात को। तो चलें आगे आपको दिखाते हैं गांव की, एक तरफ तो ये था, दूसरी तरफ आपको तरक्की भी दिखाते हैं कि वो कितना को आगे जा चुका है। तो ठीक है, आए हमारे जैसा कि आप देख तो सकते हैं मतलब कितना बड़ा घर है, शान माशाल्लाह से, और साथ ही इसके यहाँ रूढ़ी भी आपको नज़र आ रही होगी, देख सकते हैं रूढ़ी मतलब कि बड़े घर के साथ ही रूढ़ी बनाई है। तो यही कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो गांव में पाए जाते हैं। चले आगे भी दिखाता हूँ आपको आगे। तो गांव का एक हिस्सा आपको मैंने दिखा दिया था, तो अभी मतलब कि चार कोने हैं ना गांव के, एक दो तीन चार, ये पीछे वाला हमने देख लिया। अभी इस साइड पे हम आए हैं, इस साइड पे मतलब कि फसलें वगैरह काफ़ी ज़्यादा, कुछ घर भी हैं, कोठियाँ भी हैं और छोटे घर भी हैं, साथ कब्रिस्तान भी है, मोटर वगैरह सारा कुछ है। अभी ये भी आपको मैं दिखाता हूँ साथ साथ, ये ज़रा घुमाओ कैमरा सारा दिखाओ, ये जो कोठियाँ बड़ी बड़ी ये घर है मेरे लिए। देखा मतलब कि कोठियाँ चारों तरफ दरमियान में गली है जो कि सीधी कब्रिस्तान पर जा रही है, तो आपको दिखाते हैं वो भी। चलें नहीं आती तब भी आपको उसकी कदर होती है, जब आती है कदर चली जाती है, फिर जब वो चीज़ चली जाती है फिर कदर आ जाती है। तो ये है कि बड़ों की खिदमत करनी चाहिए, जितना टाइम आपके साथ है उनकी खिदमत करो, उनकी बात माने, उनका सहारा लें, उनका हमारा सहारा बने। तो ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं। चलें ये हमारा टॉपिक नहीं है, टॉपिक भी आते हैं, ये कब्रिस्तान है हमारा सारा, तो आप देख सकते हैं सारा कब्रिस्तान।
जिसने भी अपना वक्त पूरा करना है आखिरी आरामगाह यही है, यहाँ पर आना है उसने। तो ये कब्रिस्तान हमारा माशाल्लाह तो नहीं कहते हैं, लेकिन बहुत सी यहाँ पर कब्रें बन चुकी हैं। तो चले आगे आपको दिखाते हैं और भी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने अभी फिलहाल मैं इधर ही हूँ, गया नहीं आगे, क्योंकि यहाँ पर हवा बहुत ठंडी चल रही है और मैं आके बैठा हूँ यहाँ पर एक मोटर पे ना, लेकिन मैं बंद हो गई बर्फ की स्थिति से। तो अभी जाते हैं मेन अड्डे की तरफ भी, उधर भी काफ़ी हलचल लगी हुई है इस वक्त, वो नज़र आता है वहाँ से। लेकिन चले आपको मैं वहाँ जा के दिखाता हूँ, काफ़ी फुल माहौल है अभी, ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पर, तो मेरा उठने का दिल नहीं कर रहा। तो जाते हैं बस 5 मिनट और रुक के ना, आपको दिखाते हैं वो भी सारा माहौल, फिर बात कराते हैं कुछ लोगों के साथ भी कि क्या गाँव की ज़िंदगी उनको कैसी लगती है और शहरी ज़िंदगी में क्या फ़र्क महसूस होता है। ठीक है, सो गाइस जा रहे हैं हम अड्डे की तरफ, जहाँ पर मेन चीज़ जो हमारे गांव की है वहाँ पर जा रही है। मेरे साथ माहद है, इसका नाम ही है, मेरा कैमरामैन भी है, दिखने में छोटा है लेकिन काम में बहुत परफेक्ट है। तो देखते हैं वहाँ पर जाके कुछ लोगों से बातें करते हैं, किराने वाले से, हवाम वाले से, दोस्त वाले से, चांदगढ़ियों वाले से, सबसे बातें करते हैं और सबसे मेन नाटिकी वाले से। चले, अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या नाम आपका? अमजद अली। सर आप मतलब देहाती हैं, एक देहाती होने की हैसियत से आप ज़िंदगी को किस तरह देखते हैं? पहले तो फ़ायदे बताए देहात के, क्या फ़ायदे हैं? सर क्या नाम आपका? अदनान। अदनान, तो आपका हवाम है जी माशाल्लाह से, पहले तो मुबारक हो। तो दूसरा सर आप इधर मतलब के सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक क्या टाइमिंग है आपकी यहाँ पे? मेरी 9 बजे सही है, सुबह 9 से रात 10 तक। तो क्या मतलब सही काम चल रहा है आपका? शुक्र ठीक। तो इसमें रेट मतलब कि कभी किस तरह की कटिंग आप सिंपल कटिंग कर लेते हैं कि कोई स्टाइल वगैरह या सारा कुछ? हिंदी को कहीं हिंदी कर देंगे। सही है, तो क्या रेट लेते हैं आप सिंपल? अगर किसी ने कटिंग करानी तो उसका क्या रेट लेंगे? उसका 70 रुपये। और कोई डिज़ाइन वगैरह का, जैसे आजकल के लड़के मंगवा रहे थे, उसका क्या डिज़ाइन? 150। शेव खत शेव का जरा 50 रुपये लेने, खत 70 रुपये ले। सही है, तो क्या आप जो देख रहे हैं कोई इस काम में कोई गलत, इमरान खान ने मतलब वो जो प्राइम मिनिस्टर है हमारा, तो हवाम के मतलब कटिंग इस काम में उसने क्या गलत किया है? कोई भी नहीं है, कटिंग का कदा गलत हो या अपने अपने सारे नहीं, महंगाई मतलब इस चीज़ में क्या महंगाई हो सकती है? अगर कोई महंगाई होगी इमरान खान किस नजर वेखदे हो? लियाकू कौन है? कोई पिंड दा वड्डा कोई सरपंच की है? नहीं, पिंड दा मुंडा आ के याशी बाबा मारदा ही, हुण भुखा गरीब मर जांदा। अच्छा, आहो मेरे नाल ही काम ते जांदा। ते तुसी कोई पैगाम देना चाहो कोई आवाम नूं? सुबह 5 बजे ओपन करते मतलब साथ दूध दही, दूध दही, चिप्स, बर्गर और ये किराना और सब कुछ। तो सर आप सुबह 5 बजे से लेकर आज कितने बजे तक? 11:30 बजे तक करते हैं। तो इसमें आपको बजट जो है वो आपका क्या हिसाब है? देखें ये एक हवाई रोजी है, इसके अंदर हम ओपन नहीं कर सकते। सही है, तो सर आप देखते हैं महंगाई हुई है बिल्कुल जी, क्यों नहीं
अब देखे ना शहर में तो आप है नहीं, देहात में पहले शहर में जाके अशिया लेके आना यहाँ पे, फिर यहाँ पर आके सेल करना, तो उसमें आप मतलब कि जाहिर सी बात है आपका भी बनता है कि आप भी अपना किराया निकालें साथ ही है वो, तो महंगाई का आप क्या देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप महंगाई के लिहाज से? अगर देखें तो महंगाई तो डे बाय डे इंक्रीज ही हो रही है, डिक्रीज होने वाली कोई बात नहीं है, तो इसलिए ये बढ़ रही है, कम थी और इसका भी। तो क्या कहते हैं आप, कुछ कहना चाहेंगे? देखें ये तो जिनकी वजह से बढ़ रही है, हम सब कहते हैं इमरान खान ये नहीं करेगा, नवाज शरीफ ये नहीं करेगा, हाँ, इसके ऊपर हम एक दूसरे को ब्लेम दे रहे हैं बिल्कुल, लेकिन इस अगर मुल्क को हमने ठीक करना है ये अवाम का भी एक जिम्मेदारी है, ठीक है बिल्कुल, सिर्फ हम ये तो नहीं कह सकते कि ये हुक्मरान कुछ नहीं करता, क्योंकि फरमान है कि जैसा हुक्मरान होगा वैसी अवाम होगा, वैसी अवाम, इसलिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी तरफ से 100% दें, ठीक है, बाकी रिजल्ट जो अल्लाह ताला की तरफ से। तो कोई पैगाम आप देना चाहें? पैगाम बस सब हमारी जो नौजवान नस्ल है ये चलें काम करें, खेलें कूदें, मैदानों में जाएं, और उसके अलावा अपने वालदान का सहारा बने, अपना काम करें, अगर स्टडी करनी है तो अच्छे से करें, नहीं करनी तो टाइम से किसी फील्ड में जाएं, ठीक है, इससे आपकी आपकी जो है वो रोज़मर्रा ज़िंदगी भी कल का फ्यूचर भी बनेगा, और आप मतलब आपको पॉलिटिशियन से कोई खास, मैंने पॉलिटिशियन में भी बहुत ज़्यादा इंटरफेयर किया लेकिन इसके अंदर कुछ भी फ़ायदा नहीं है, अगर आप एक पीक पे जाना चाहते हो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा दरकार होता है, ठीक है, ये थोड़ा टफ टाइम होता है इंसान के लिए, इसके लिए फैमिली सपोर्ट भी चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं इसके अंदर। टॉपिक ज़रा हटाते हैं, आप देहात में हैं तो देहात के फ़ायदे क्या हैं, ज़रा बताएं व्यूअर्स को देहात के क्या फ़ायदे हैं? देहात के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके अंदर, जैसा कि लोग ज़्यादा मिलनसार होते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, जैसे कि कोई भी मोहल्ले में कोई भी होती हो जाए उसी का मौका हो, सारे लोग जो हैं वो एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं, जैसा कि शहरों में नहीं होता, खालिस अशिया मिलती है, खालिस अशिया मिलती हैं, दूध दही बाकी जो कुदरती चीज़ें हैं वो गंदम वगैरह चावल वगैरह वो ज़रा सस्ता मिल जाता है, देसी घी हो गया, ऐसे सारे अशिया जो हैं बहुत कम रेट में मिलती हैं, तो इसलिए आबो हवा का एटमोसफेयर का बहुत ज़्यादा अच्छा असर होता है इंसानी सेहत पर भी, तो इसलिए मैं तो ये समझूँगा वो भी ठीक है, शहर भी वो भी ठीक है, ये सारा निज़ाम है कुदरत का सही है, बाकी हमें खुद सही होना चाहिए जी, सबसे पहले हमें अपना 100% देना है, बाकी रिजल्ट जो है अल्लाह के हाथ में सही है, बहुत शुक्रिया।